दोस्तों, हम जानते हैं कि पानी पूरी का नाम सुनकर आप सभी लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, खासकर लड़कियों के मुंह में। और इस पानी पूरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कुछ लोग गोलगप्पा कहते हैं, कुछ लोग पानी पूरी कहते हैं, और कुछ लोग फुल्की कहते हैं, और वहीं कुछ लोग इसे पुचका भी कहते हैं। आप सब लोग पानी पूरी को क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानने या बताने बिल्कुल नहीं आए हैं कि पानी पूरी को हम किन किन नामों से जानते हैं, बल्कि पानी पूरी बनाने वाले वर्कर्स की कुछ सच्चाई हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, आपके सामने लाना चाहते हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब कभी भी किसी गोलगप्पे की रेहड़ी पर खड़े होकर आप गोलगप्पे खाते हैं, तो गोलगप्पे का स्वाद तो हमें एक अलग ही एहसास दिलाता है, और ये लगता है कि यार इससे ज्यादा स्वाद और किसी में नहीं होगा, खासकर लड़कियों को। लड़कियां तो ऐसे चटकारे मारते हुए आड़ा तिरछा मुंह बनाते हुए आराम से गोलगप्पे खाती हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, इनको तो बस आराम से चटकारे मारते हुए मजे लेते हुए आड़ा तिरछा मुंह बना के गोलगप्पे खाने हैं। पर क्या गर्ल्स, आपको ये पता है कि जो गोलगप्पे आप चटकारे मारते हुए खाते हो, इसका जो आटा है वो किस तरह गूंदा जाता है? अब आप ये बोलोगे कि भाई आटा तो साधारण तरीके से ही गूंदा जाता है, जैसे कि रोटी बनाने के लिए या पूरी बनाने के लिए गूंदते हैं। पर नहीं गर्ल्स, यहीं पर तो आप मार खा रही हैं। आपको बताने से अच्छा है कि हम आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से यकीन भी हो जाए। ये देखिए, ये जनाब कितने आराम से, कितने मजे से अपने गोलगप्पे यानी पानी पूरी का आटा जो है अपने दोनों पैरों से गूंद रहे हैं, कैसे आटे के ऊपर कूद रहे हैं। अब भाई इन्हें अच्छे से गोलगप्पे बनाने हैं और आपको टेस्टी गोलगप्पे खिलाने हैं, उस तो अलग से करना ही पड़ेगा ना। अब देखिए, दोनों पैरों से यह जनाब आटा गूंद रहे हैं। अब जो भी पैरों से पसीना आएगा या कुछ भी लगा होगा, वो सब इस आटे में जो है वो मिक्स होता जाएगा। अगर पैरों में कोई छोटा मोटा जख्म है, तो मतलब कि अपने खून पसीने से बने गोलगप्पे जो हैं वो ये लोग हमें खिलाते हैं। और आपको एक बात और यहाँ बता दें कि अगर इन्होंने टॉयलेट जाना है या बाथरूम जाना है, तो ये नंगे पैर ही ऐसे ही चले जाते हैं। मतलब ये जब भी आटा गूंदने के लिए आएंगे, तो अपने हाथों और पैरों को बहुत अच्छे से साफ करके ये आटा गूंदेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इनके पास इतना समय ही नहीं है कि ये अपने हाथों और पैरों को अच्छे से साफ करें और उसके बाद में आटा गूंदें। जैसे ये नंगे पैर टॉयलेट जाते हैं, वैसे ही वापस आकर ये आटा गूंदने लग जाते हैं। अब आप इन भाई साहब को देखिए, जो कैसे तंबाकू अपने हाथों से रगड़ रहे हैं, और अब इन्हीं हाथों से इन्होंने जो है वो गोलगप्पे बनाने शुरू कर देने हैं। मतलब कि हमारे पेट में गोलगप्पों के साथ साथ तंबाकू भी कहीं न कहीं जरूर जा रहा होगा। क्या हुआ, हैरान हो गए दोस्तों देखकर? आप तो बस वीडियो देखते रहिए और इनके कारनामे जानते जाइए। एक पानी पूरी विक्रेता अपनी दिहाड़ी लगाकर जब घर पर वापस आता था, और उसका जो खट्टा मीठा पानी है वो बच जाया करता था, उसको वो एक जगह सड़क पर फेंक दिया करता था। अब जितनी सड़क के हिस्से में वो पानी जाता था, सड़क का उतना हिस्सा जो है वो खराब होता चला गया। लोगों ने जब ये नोटिस किया, तो उन्होंने फूड डिपार्टमेंट को इसकी शिकायत की। फूड डिपार्टमेंट ने जब अच्छे से चेकिंग की, तब उस जांच के दौरान पता चला कि ये जनाब जो है खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए, या यूं कहें कि चटपटा पानी बनाने के लिए, इसमें टॉयलेट क्लीनर का उपयोग किया करते थे। मतलब ये कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इनको तो जो है वो चंद पैसे कमाने हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब सब कुछ क्लियर हो गया, तो इन जनाब को अरेस्ट कर लिया गया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सरकार को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि ये लोग किसी की जिंदगी के साथ दोबारा खिलवाड़ ना कर सकें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी को ही दांव पर लगा देते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस चटकारे लेते हुए गोलगप्पे खाने हैं, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो जनाब अभी रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, आप तो बस पूरी वीडियो देखते रहिए। गोलगप्पे के साथ हमें जो ये स्वादिष्ट से आलू खिलाए जाते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि ये आलू किस तरह के होते हैं? अगर नहीं पता तो आपको हम बता देते हैं। बाजार में जिस आलू को कोई भी नहीं खरीदता है, जो कि बहुत ज्यादा सड़ जाते हैं, ये लोग उन्हीं आलू को बहुत सस्ते में खरीद कर लाते हैं। उसके बाद इन आलुओं को गंदे पानी में उबाला जाता है,
और उबालने के बाद जब इनको छीला जाता है तो इनको छीलकर बहुत ही गंदी जगह पर रखा जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं कि कैसे ये आलू को छीलकर गंदी जगह पर रखता जा रहा है, और यहाँ तक कि आपको ये गटर के गंदे पानी से बर्तन साफ करते हुए भी नजर आ जाएंगे। पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं, कुछ पैसों के लिए किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी विक्रेता ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत ही ईमानदारी और साफ सफाई के साथ काम करते हैं, लेकिन अपने लाभ के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। अब बात ये है कि किया क्या जाए। हम तो बस आपको यही बोलेंगे कि जब आप अपनी आंखों से कुछ गलत होता हुआ देखें तो तुरंत आप आवाज उठाएं और इसका विरोध करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चुपचाप से आप एक वीडियो बनाइए और सबूत के तौर पर आप इसे फूड डिपार्टमेंट या फिर पुलिस स्टेशन पर जाकर सबूत दिखाएं और शिकायत दर्ज कराएं। ऐसा करने से होगा ये कि आगे से ये लोग जो जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको सबक मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू।